नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। असम में 58 साल पहले जान बचाने वाले जवान से मिलकर भावुक हुए दलाई लामा। असम राइफल्स के जवान को लगाया गले। जवान ने भारत आने पर 1959 में प्रदान की थी सुरक्षा। उत्तर कोरिया पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रुख। कहा, चीन ने साथ नहीं दिया तो उत्तर कोरिया को अकेले ही सबक सिखा सकता है अमेरिका। ब्रिटेन में मंडराया आतंकी हमले का खतरा। परमाणु स्टेशन और हवाई अड्डों पर जारी किया गया अलर्ट। आईसिस सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर कर सकता है हमला। दुबई में बुर्ज खलीफा के पास कॉम्प्लेक्स में आग का तांडव। निर्माणाधीन 60 मंजिला इमारत में आग लगने से 4 लोग घायल। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। थाईलैंड में हमलावरों ने पुलिस चौकी पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। हमले में 9 पुलिसकर्मी घायल। ट्रक में सवार होकर सभी हमलावर मौके से फरार। अफगानिस्तान में आतंकी हमले को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। तखार प्रांत में सेना ने 10 आतंकवादियों को किया ढेर। भीड़भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाने आए थे आतंकी। और कोलंबिया में भूस्खलन से अब तक 248 लोगों की मौत, 300 घायल। मूसलाधार बारिश ने छीने हजारों आशियाने। राष्ट्रपति जुआन मैनुअल ने घोषित किया आपातकाल। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।